योगासन एक प्रकार से जीवन अनुशासन का भी अधिष्ठान बन जाता है। कभी कभी लोग इसको समझने में उनकी क्षमता की कमी के कारण पूरी तरह समझ नहीं पाते। कभी कभी लोगों को लगता है योगा से क्या मिलेगा, ये पूरा विज्ञान लेने पाने के लिए है ही नहीं। योग क्या मिलेगा इसके लिए नहीं है, योग मैं क्या छोड़ पाऊंगा, मैं क्या दे पाऊंगा, मैं किन किन चीजों से मुक्त हो पाऊंगा, ये मुक्ति का मार्ग है, पाने का मार्ग नहीं है। सभी संप्रदाय धर्म भक्ति पूजा पाठ वो इस बात पे बल देते हैं कि मृत्यु के बाद इहलोक से निकल करके जब परलोक में जाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। आप अगर इस प्रकार से पूजा पद्धति करेंगे, ईश्वर की साधना आराधना करेंगे, तो आपको परलोक में ये मिलेगा। योग परलोक के लिए नहीं है। मृत्यु के बाद क्या मिलेगा इसका रास्ता योग नहीं दिखाता है, और इसलिए ये धार्मिक कर्मकांड नहीं है। योग इहलोक में तुम्हें मन को शांति कैसे मिलेगी, शरीर को स्वस्थता कैसे मिलेगी, समाज में एक सूत्रता कैसी बनी रहेगी, उसकी ताकत देता है। ये परलोक का विज्ञान नहीं है, यही इहलोक का विज्ञान है। इसी जन्म में क्या मिलेगा उसी का विज्ञान है।